सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की ये बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, एक छोटे से, छोटा नहीं कहूंगा, नॉर्मल से शेयर के बारे में। जिसका आजकल मार्केट में बहुत बड़ा नाम चल रहा है, मतलब नाम एकदम से रिटेलर्स के बीच में बहुत नाम हाइप आउट करा जा रहा, बजिंग स्टॉक है ये। क्या नाम है इसका? सिंह हिंद इंडस्ट्रीज नाम करके स्टॉक है। आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग जिसको देखो सिंह हिंद ही करते जा रहे हैं। ऐसा क्या है ये स्टॉक में और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो आप मार्केट में समझो, मार्केट में कुछ टाइम ऐसा भी होता है, बहुत सारे चांसेस में, यानी कि 100 में से 90% ऑफ द चांसेस ये होता है कि मार्केट में जानबूझ के स्टॉक्स के नाम के साथ में बस बनाया जाता है, बस क्रिएट कराया जाता है ताकि रिटेलर्स आके उसमें अट्रैक्ट हो। एक ट्रैप फेंका जाता है मार्केट में, जाल फेंकते हैं बड़े प्लेयर्स, जिससे क्या हो, रिटेलर्स अट्रैक्ट हो और उस शेयर में पैसा लगाएं और बड़े प्लेयर्स उसको उनका स्टॉप लॉस हिट करके अपने पैसे बड़े प्लेयर्स बनाएं और रिटेलर्स अपना पैसा वहां पे लॉस करें। सो इसी को माइंड में रखते हुए ये सिंह हिंद जो शेयर है इसको भी बस क्रिएट करा जा रहा है। बिकॉज आप लोग अगर इसको ध्यान से देखें, इसकी जो कैंडल्स हैं ये देखिए कितनी कितनी सारी कैंडल्स हैं, ये सारी की सारी कैंडल्स आप लोगों को देखने में नहीं लग रहा, ऑपरेटर्स जैसे ऑपरेट कर रहे हो ये कैंडल को। कोई चार्ट जो नॉर्मल सा बिहेवियर का चार्ट चलता है, माना कि शेयर 100 रुपीज का, टाटा स्टील भी तो 100 रुपीज के आसपास चल रहा है, बट उसके चार्ट को देखिए, उसकी कैंडल्स को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे वो ऐसा नहीं चलता है, बिकॉज वो कोई ऑपरेट नहीं कर रहा। ये जो शेयर है ये एग्जैक्टली आप लोग को देखने से लग रहा होगा कि एज एन ऑपरेटर कोई ऑपरेट कर रहा है। सो मेरे ये वीडियो बनाने का आज का लॉजिक बस यही है कि आप लोग को थोड़ा अलर्ट करना, ताकि इस वीडियो से थोड़ा आप लोग अलर्ट हो जाएं, थोड़ा आप लोग ध्यान दें। इसमें अगर आप लोग इन्वेस्ट करना सोच भी रहे हैं तो उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करें जितना आप टोटली ऑन रिस्क ले सकते हैं। बट कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिला है, वो लोग तो कहेंगे भाई ऐसा कैसे कह सक रहे हो, तो हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिला है। जी हाँ, मिला भी होगा बहुत लोगों को, बिकॉज इसका बस 70 रुपीज के आसपास से क्रिएट करा जा रहा था और अभी देख पा रहे हैं 99 रुपीज पहुंच चुका है, 41% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे चुका है ये स्टॉक। बट अब अगर इस टाइम आप इन्वेस्ट करने जाएंगे सो आप अपना टाइम, जो मेन टाइम था ठीक, या तो आप बस क्रिएट करने से, उस बस क्रिएट होने से पहले उसको पकड़ ले, या जब वो क्रिएट हुआ है तभी उसको पकड़ ले। बट अभी क्या है, बस क्रिएट हो चुका है, सब चीज हो चुकी, ट्रैप पूरा बिक चुका है, बस रिटेलर्स फंस चुके हैं, बड़े प्लेयर्स को बस अपना प्रॉफिट बुक करना है। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा, अगर आप लोग एक रिटेलर हैं और आपने यहाँ पे अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं करा है तो कोशिश करिएगा 100 रुपीज के आसपास कहीं पे आप प्रॉफिट बुक करने की अपनी ट्राई करिएगा। सो सी यू सून, टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और मजेदार वीडियो के साथ, टिल अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड कीप ऑन लर्निंग।